वेलकम टू टेक बस। आज हम रिव्यू कर रहे हैं मकाओ TX80 ब्लूटूथ हेडफोन्स का, जिसे आप gearbest.com से खरीद सकते हैं और इसका प्राइसिंग लगभग 2300 के आसपास है। इसका परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो चलिए पहले इस हेडफोन्स का डिटेल और स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। तो यह है हेडफोन्स का बॉक्स। लेफ्ट में ऊपर की तरफ आपको मकाओ ब्रांडिंग मिलेगा, नीचे दिया गया है TX80 मॉडल नेम। लेफ्ट में नीचे की तरफ आपको इस हेडफोन्स के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, पीछे की तरफ आपको इस हेडफोन्स के स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। ये हेडफोन्स ब्लूटूथ 4.1 सपोर्ट करते हैं, साथ ही एप्टेक्स टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करते हैं। ये हेडफोन्स IPX5 वाटरप्रूफ सर्टिफाइड है, यानी कि इसको आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं। इस हेडफोन में दिया गया है 10 mm का टाइटेनियम ड्राइवर। तो चलिए हेडफोन्स को अनबॉक्स करते हैं। डब्बे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है। अंदर ये ब्लैक बॉक्स है, जिसमें सेंटर पे मकाओ का ब्रांडिंग दिया गया है और नीचे आपको सीरियल नंबर और बारकोड स्कैनर मिलेगा। तो चलिए इसे ओपन कर देखते हैं। ऊपर आपको ये मकाओ का एक पेपर मिलेगा, अंदर आपको हेडफोन्स मिलेंगे जिसे फोम से प्रोटेक्ट किया गया है। ये है मकाओ हेडफोन्स, इसे हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। नीचे आपको ये सिलिकॉन जेल मिलेगा, एक ब्लैक बॉक्स दिया गया है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। इसमें आपको ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलेंगे, इस साथ ही दिए गए हैं कुछ मैनुअल्स इंग्लिश और चाइनीज़ में। यह है इस हेडफोन्स का चार्जिंग केबल और एक इंस्ट्रक्शन पेपर दिया गया है। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। और एक नायलॉन का कैरिंग केस भी दिया गया है। इस हेडफोन की एक ख़ास बात है, जैसे कि आप दो फोन्स को एक ही वक्त पर इस हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हेडफोन्स में आपको एक वॉइस असिस्टेंट भी मिलेगा, जो बताएगा कि कितनी बैटरी रह चुकी है और कनेक्शन सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। हेडफोन में आपको 110 mAh की बैटरी मिलेगी और कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको 8 घंटे का बैकअप मिलेगा, बट हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें कुछ 6.5 से 7 घंटे का ही बैकअप मिला। लेकिन ब्लूटूथ हेडफोन्स के हिसाब से इतना बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल हेडफोन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हेडफोन्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इस हेडफोन्स के कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक और मेटल दोनों का ही यूज़ किया गया है। इस हेडफोन में दिया गया है थिक फ्लैट रबराइज्ड वायर। नीचे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स मिलेंगे, सेंटर में एक स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, साथ ही दिया गया है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। दूसरी तरफ आपको मकाओ का ब्रांडिंग मिलेगा। वायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसे अगर आप जिम वगैरह में भी यूज़ करते हैं तो वायर ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो चलिए इस हेडफोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। सेंटर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से ये लाइट्स ब्लिंक होगी, जिससे आप अपने हेडफोन को पेयरिंग मोड में डालकर अपने फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यह हेडफोन एक एप्टेक्स टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको ब्लूटूथ के थ्रू भी हाई क्वालिटी अनकम्प्रेस्ड हाई रेजोल्यूशन साउंड मिलता है। वॉल्यूम बटन्स को लॉन्ग प्रेस करके आप सॉन्ग्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ट्रेबल काफ़ी क्लियर क्रिस्प है, वॉल्यूम लेवल भी काफ़ी अच्छा है, बट बेस की आपको थोड़ी कमी लग सकती है अगर आप बेस लवर्स हैं तो। बट इस हेडफोन में प्रीसेट इक्वलाइजर्स भी दिए गए हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इक्वलाइजर चेंज कर सकते हैं। हेडफोन्स काफ़ी कंफर्टेबल है, नेक पर आपको लोड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। हेडफोन्स काफ़ी लाइट वेट है और आप कंफर्टेबली आपके कान में फिट भी हो जाते हैं, इसीलिए आप जिम वगैरह में ट्रेडमिल पर इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये हेडफोन्स बिल्कुल भी कान से स्लिप नहीं होंगे। साउंड काफ़ी क्लियर और क्रिस्प है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपके फ़ोन को बेस बूस्ट या कुछ कस्टम इक्वलाइज़र पर ही रखें, ताकि आपको आपके हेडफोन से काफ़ी अच्छा बेस आउटपुट मिले। तो अगर आप एक ब्लूटूथ हेडफोन लेना चाहते हैं और आपका काफ़ी टाइट बजट है, तो मकाओ TX80 एक काफ़ी अच्छा चॉइस है। ये प्रोडक्ट यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, कुछ फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही इसका साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का परचेस लिंक दिया गया है, जहाँ से लेने पर आपको ये हेडफोन्स बेस्ट प्राइस पर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गैजेट और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।